हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडिंग याडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी आ गया है कि एसएससी के तहत जो पुलिस का जो कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाला था उसका वैकेंसी आ गया, उसका फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो गया है। ध्यान से देखिएगा, आज जो है 1 अगस्त, देख सकते हैं अगस्त 1, 2020, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। दिल्ली पुलिस के तहत जो एसएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, उसका जो है आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। तो सभी लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, साथ ही साथ पुलिस, ये सभी का क्लासेस कंटिन्यू चलाया जाता है। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन पता लग सके। चलिए दोस्तों, जो भी इस चैनल पर बताया जाता है सभी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जो आता है वो चीज को सबसे पहले आपको रूबरू कराया जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं हम लोग एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद 1 अगस्त 2020 को आज के डेट में एक नोटिस डाला गया। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद नोटिस उसी तरीके से ओपन होता है जी, और इसको ओपन होता है तो इसको ओपन कर लेने के बाद, एक मैं पीडीएफ में इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना कमीशन के वेबसाइट पे 1/8/2020 यानी आज यहाँ पे पब्लिश किया गया है। और देख सकते ये है नोटिस जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस के तहत जो कंडक्ट होता है ना कांस्टेबल का एग्जाम, वो एसएससी के तहत जो करवाया जा रहा है वो देख सकते हो, उसका नोटिफिकेशन आखिरकार आ गया। और डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन का आज से 1/8/2020 तक जो है ना इसका फॉर्म भराएगा, यानी आज से जो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 7/9/2020 है। लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का 9/9 है। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑनलाइन चलान का 11/9 है। और यानी कहने का मतलब लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चलान का यानी 14/9 है। यानी कहने का मतलब आपको 1/8/2020 से 7/9/2020 के अंदर में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर लेना है, भर लेना है, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो होगा उसका एग्जामिनेशन डेट भी आप इन लोगों ने मेंशन कर रखा कि 27/11/2020 से 14/12/2020 तक इन्होंने एग्जाम इसका कंडक्ट करवा लेगा, इन्होंने ऑफिशियली इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो चीज को देखना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं जी, तो 5846 वैकेंसी है, जिसमें आपको बता दूं कि देख सकते हैं जनरल का कितना है तो 2801 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 583 वैकेंसी है, ओबीसी का 1133 वैकेंसी है, एससी का 1037 वैकेंसी है एंड एसटी का 302 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 5846 वैकेंसी है, देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्क्रीनशॉट इसको भी आप ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मेन मेन पॉइंट को कि ये जो है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, 18 से 25 वर्ष इन्होंने रखा है तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और ऑल इंडिया के कहीं से भी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/2020 कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1995 एंड लेटर देन 1/7/2002, यानी कहने का मतलब 1995 से लेकर के 2002 के बीच में जो जिनका जन्म डेट है वो अप्लाई कर सकते हो, कंसीडर किया जाएगा 1/7/2020 से वो 18 से 25 वर्ष। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है छूट क्राइटेरिया का, वो इसमें भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें जैसे देख सकते हैं एससी एसटी का 5 साल दिया जाएगा, ओबीसी का 3 साल दिया जाएगा, बाकी ये सब जो आप लोगों को जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो छूट दिया जाता है वो चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कितना किसका। डिपार्टमेंटल लीवर का रहेगा 40 साल तक भर सकता है, डिपार्टमेंटल दिल्ली ओबीसी का 43 साल, ऐसे इन्होंने सब मेंशन कर रखा है, एक बार आप लोगों ने देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग मेन बात करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा मेन मेन जो पॉइंट है वो चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। देखिएगा ये जो है ना फॉर्म वो भर सकता है, कौन कौन भर सकता है जी, 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन अप टू 11th पास फॉर द सन्स डॉक्टर रिटायर्ड डिग्री एंड दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल। देखिएगा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट भर सकते हैं जो 12th पास है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो 12th पास है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये कंसीडर किया जाएगा 7/9/2020 के अकॉर्डिंग जो है ना, इसके ये डेट से पहले तक आप लोगों ने जो है इस क्वालिफिकेशन को पास कर रखा हुआ 10+2 वही स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन को
फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इन लोगों का कुछ छूट रहता है वो यहाँ पे दे रखा है। और ध्यान से देखिएगा, मेल कैंडिडेट मस्ट पास ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल और कार ऑन डेट ऑफ PE and MT लर्नर लाइसेंस इज नॉट अवेलेबल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो है ना लाइक ड्राइविंग लाइसेंस के भी जो है जरूरत इन्होंने मेंशन कर रखा है। और कैंडिडेट शुड हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द स्टेबल डेट नॉट एलिजिबल। यानी कहने का मतलब जो डेट रखा गया है, अगर इस डेट से के बाद में अगर आप पास करते हो, 12th आपका पास आउट है, तो वो एलिजिबल इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग और ही बात कर लेते हैं। देखिएगा एक चीज यहाँ पे जो है ना, NCC वालों के लिए बेनिफिट क्या रखा गया है ना, कि जो NCC सर्टिफिकेट जो किए हुए रहते हैं ना, उन लोग को जो NCC सर्टिफिकेट लिए हुए रहेगा तो 5% इन लोग का जो है ना बोनस मार्क्स एग्जामिनेशन दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का। बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% एंड ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% जो है इन लोग को दिया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन जो है SSC की वेबसाइट पे जाकर के, जो SSC.NIC.IN वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं, ठीक है। इसका फी कितना लगने वाला वो चीज को समझिएगा। इसका जो एप्लीकेशन फी लगने वाला है वो 100 रुपया लगने वाला, ठीक है ना, बहुत कम अमाउंट। यानी 100 रुपया जो SSC का फी होता है वो यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला। और बता दूं कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC और ST और एक सर्विसमैन, ये सब जो है ना, ये सबको फी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना जनरल और OBC ये सब वालों को फी लगेगा। बाकी जो है ना SC ST और वुमेन कैंडिडेट ST ESM ये सबको जो है जो फी इन लोगों को नहीं लग रहा है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो है ना उन लोग को जो है फी लगने वाला है। बाकी जो और बचे हुए जनरल कैंडिडेट OBC SC OBC और जनरल कैंडिडेट और EWS जो है, बाकी यहाँ पे SC ST वोमेन एंड ESM को फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं SSC रीजन का, यहाँ पे दे रखा है कौन कौन रीजन में जिस रीजन में भरना चाहते हैं। SSC सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है, वो जो है SSC का रीजन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। बाकी और हम लोगों ने स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। देखिएगा द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, PE और MT होगा, जो पी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और MT मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मार्क्स स्कोर कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड जो आपको मार्क्स लाएंगे ना उसी के बेसिस पे जो है आपको नॉर्मलाइज जो मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपको जो है ना इसका जो है इसका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा वो चीज समझते हैं। देखिएगा आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का जो है ना 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और कुछ 10 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल MS ऑफिस यानी कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर का होगा। टोटल 90 मिनट का जो है एग्जामिनेशन इसका होने वाला है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। यानी देखा जाए तो बहुत अच्छा इसका सिलेबस भी है, जो कि ये SSC GD का सिलेबस होता है सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन उसमें जो है SSC GD में तो हिंदी इंग्लिश से जो होता है वो उसमें सेलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यानी सिलेबस देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग जो होता है SSC का, यानी वो चीज यहाँ पे दे रखा है, यानी एक देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा ना तो आपको 0.25 बार का जो है ना आपको नेगेटिव मार्क यहाँ से काट लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज उन्होंने दे रखा और आंसर की जब आता है उसके बाद जो इन्होंने कुछ कोई रॉन्ग आंसर किया अगर आता है, वो कुछ प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में या फिर कुछ में, तो उसमें ऑब्जेक्शन करने का भी टाइम दिया जाता है 100 पर क्वेश्चन के लिए, तो वो चीज को इसमें एक अच्छा सुविधा दे रखा है, ठीक है। बाकी सिलेबस की बात करते हैं तो देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का कुछ इस तरीका का सिलेबस है। एक बार जो है ना PDF डाउनलोड करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बेसिक सिलेबस है ना रीजनिंग का, मैथ का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, सब बेसिक सिलेबस है और इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत ये सब करवाया जाता है और करवाया भी गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे जो है ना फिजिकल का क्या सीन है जी। फिजिकल का देख सकते हैं 1600 मीटर का रनिंग रेस होने वाला है आपका, वो 6 में। अगर 30 साल तक आपका एज है तो अब 6 मिनट में आपको 1600 जो है रनिंग करना पड़ेगा। 30 से 40 साल तक एज है तो 7 मिनट में रनिंग करना है 1600। अगर 40 साल से ज्यादा तो 8 मिनट में रनिंग करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं लॉन्ग जंप के लिए, तो 30 साल तक है तो 14 फीट, 30 से 40 साल है तो 13 फीट और 40 साल से ज्यादा है तो 12 फीट आपको लॉन्ग करना है। हाई जंप की बात करते हैं तो 30 साल तक है 3.9 फीट जंप जो है ना यहाँ पे फीट जो है ना हाई जंप करना है और 30 से 40 में 3.6 फीट एंड एबव 40 में
3.3 फीट जो है हाई जंप भी करना, यानी हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस इसका जो है ना रनिंग जो फिजिकल के लिए रखा गया। मेल की बात कर रहे हैं, वही अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, हाइट की बात सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फीमेल की बात करेंगे। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट जो रखा गया है मिनिमम 170 सेंटीमीटर रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है जी। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रखा गया है, बाकी जो छूट रहा है तो बच्चे यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। और चेस्ट की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम रखा गया है, और 4 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन होता है फुलाने के बाद, जो 81 से 85 के बीच में यहाँ पे जो है डिफरेंस रखा गया है। वैसे तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा गया है। बात करते हैं गर्ल्स लोगों का जो है ना यहाँ पे फिजिकल कैसे होगा, तो अगर जो है ना अप टू 30 साल तक आपका एज है ना, 30 साल तक अगर 18 से 30 साल तक अगर आपका एज है, तो आपको 8 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर। अगर 30 से 40 साल तक एज है तो 9 मिनट में दौड़ना है, और 40 साल से अभी है तो आपको 10 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं, 10 फीट दौड़ना है अगर आपको 30 सेकंड में है तो, अगर 30 ईयर के अंदर में आते हैं तो आपको लॉन्ग जंप 10 फीट कूदना है, और 30 से 40 ईयर के अंदर आते हैं तो आपको 9 फीट कूदना है, और 40 ईयर से ज्यादा आते हैं तो 8 फीट कूदना है, ठीक है। और वही हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट कूदना है, कब जो है 0 से 30 साल के, अगर 18 से 30 साल के आते हैं तो आपको जो है ना 3 फीट हाइट कूदना है। अगर 30 से 40 ईयर का आपका एज है तो 2.9 फीट हाई जंप कूदना है, और एबव 40 फीट है, एबव 40 ईयर आपका एज है तो आपको 2.6 फीट कूदना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आपको इसको ले सकते हैं, ठीक है। और गर्ल्स लोग का जो हाइट रखा गया है जी, वो 157 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है ना। गर्ल्स के लोग का जो हाइट रखा गया है वो 157 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ये सब चीज, तो हम लोगों ने सारा चीज हम लोगों ने देख लिया, जो जो मेन पॉइंट था। बाकी ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग भी इसको देख सकते हैं, कैसे फॉर्म भराएगा वो इसमें मेंशन कर रखा है। बाकी इसका हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इसका पे स्केल क्या है। ये पे स्केल भी देखना बहुत जरूरी है। पे स्केल देख सकते हैं 21,700 से 69,100 जो कि कॉन्स्टेबल का जो सैलरी होता है वो यहाँ पे जो है 21,700 से 69,100 तक इन लोग का सैलरी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो एक आप लोग अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी तरीका, अच्छा लेवल का वैकेंसी भी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और इसमें देख सकते हैं टोटल वैकेंसी भी अच्छा खासा है, 5,840 वैकेंसी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेहतर लगा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, और इस चैनल पे क्लासेस भी जो है चलाया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।